अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम यहाँ शिवाजी गार्डन के यहाँ पर मौजूद हैं। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर यहाँ पर जितने भी भेल की गाड़ी लगाते हैं या तो फास्ट फूड की गाड़ियाँ लगाते हैं उन्हें उनका धर्म पूछकर उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बेलगाम शहर की अपनी एक तारीख रही है कि यहाँ पर मिली जुली एक संस्कृति, एक तहजीब देखने को मिलती है। ज़बान, भाषा, ज़ात, धर्म का कभी इख्तलाफ यहाँ पर नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर नफरत घोलने की कोशिश की हुई है। कल जिन जिन लोगों को जाकर वो धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, आज उन्हीं से हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और भी कुछ लोगों को हम मिलकर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर इस तरह के हालात हैं, क्योंकि यूपी बिहार की तरह यहाँ पर भी नफरत घोलने की कोशिश कुछ लोगों की जानिब से की जा रही है। लेकिन बेलगाम शहर एक अमन का शहर है और यहाँ पर उमूमन ये देखा जाता है कि हर धर्म जात पात के लोग मिलजुल कर रहते हैं, त्यौहार कई इजलास मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे के दावतों में, एक दूसरे के घरों में आना जाना है, इस तरह की एक मिलीजुली तहजीब बेलगाम शहर में देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कि उन लोगों से कल जो बात किया गया था, कुछ लोगों ने यहाँ पर एक तरह की नफरत घोलने की कोशिश की थी, आज उन बात यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने यहाँ कई सारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस तरह की हिंदू मुस्लिम, क्योंकि एक मिली जुली तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। कभी किसी का धर्म देखकर कोई यहाँ पर आते हुए नहीं देखा गया, लेकिन कुछ लोग इस तरह की बात यहाँ पर फैलाकर एक तरह का नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर कई सालों से अपनी गाड़ी लगाते हैं, आपने कभी इस तरह का माहौल देखा है? नहीं 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 देखा है, लेकिन है इधर मुस्लिम और हम सब मिलके ही है। हाँ है, जो एक कहानी बनाई जा रही है कि थूक कर देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये उनके पास अगर कोई अगर इस तरह से किया तो उस वक्त ही क्यों नहीं पकड़ा गया या तो फिर मुकदमा पुलिस थाने तक क्यों नहीं लेकर गए? क्या मालूम, हम तो सुबह इतना ही रहते, शाम को रहते सब, मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे। हाँ मिलजुल कर रहते, अच्छे है। आपका नाम मेरा ज्योति। आप कितने सालों से हैं मैडम यहाँ? मैं इधर ही पैदा हुई, इधर ही हूँ मैं। हमारा खुद का गांव ही है ये। ज्योति मैडम बता रही हैं कि यहाँ बरसों से वो यहीं पर पैदा हुई, यहीं पर बड़ी हुई है और यहाँ कभी भी इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आग बार आग बारे मत चलो इष्ट रे। ಶಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿದೆ, ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಾಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಹಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. सोमू ने इससे पहले इस तरह का कोई मामला यहाँ पर होते हुए नहीं देखा है और यहाँ कोई अपराध है जो इस तरह का एक जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? आपने कल के एक वीडियो में देखा होगा कि जहाँ पर एक पंडित और एक मुसलमान किस तरह से वो गाड़ी लगाते हैं और वो बरसों से ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद, जो एकता है, इसे भी देख कर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सर आपको लेकर भी वीडियो वायरल हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि आप तो पंडित हैं और आप कैसे मुसलमान के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, आप इस तरह बताइए। हम तो पहले भी एग्री हुए थे कि हिंदू ले ले गाड़ी, इसने नहीं लिया, फिर हमने उनको पार्टनर कर लिया जी, कामगार मिल नहीं रहे हैं, तो उसके बाद में इनको पार्टनर किया, इनको भी खरीदी देने के लिए तैयार है हम जी। हमारा उसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, मैं हमारा इनसे आज तक झगड़ा हुआ है, 25 साल हुआ मेरे को करते करते यही लाइन में, आज तक कोई लफड़ा नहीं है, सब मिल के रहेंगे, सब मिल के ही रहे। आपका नाम? महेश शर्मा। महेश शर्मा साहब, महेश शर्मा साहब पिछले 25 साल से, सर आपका नाम? अब्बास खान के साथ कारोबार कर रहे, लेकिन किसी तरह का इख्तलाफ इनमें नहीं है और एकता ये दोनों के अंदर देखी जा रही है और यही पैगाम ये पूरे बेलगाम शहर को नहीं पूरे मुल्क को दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जब जमते हैं तो वो सालों तक अपना कारोबार कर सकते हैं। कल जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? आप तो पंडित के साथ कारोबार कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं और गलत दे रहे हैं वो वीडियो। बोलते तुम मुस्लिम हो, तो आपको कोई तक परेशानी इससे पहले कभी नहीं हुई? आप दोनों तो मिलकर काम करते हैं। आकर उसने क्या कहा तुमको?
उसने नाम पूछा, नाम पूछा और बोला तुम लोग ऐसा करते हो, रोक के खिलाते हो, ये करते हो। यहाँ हमारे साथ एक और भाई जटिल खान है, इनका भी वीडियो उन्होंने लिया था और आपको धमकी भी दी थी, शायद गाड़ी पलटी देंगे। तो आपने यहाँ पर किस तरह का माहौल देखा हिंदू मुस्लिम में? क्योंकि 19 गाड़ियाँ में से 6 गाड़ियाँ मुस्लिम के, इस तरह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे सब लोग भाई में भाईचारा बना के रखते है। और वो आया मेरे पास वीडियो निकाला तो मैं उसको पूछा वीडियो किसके लिए चाहिए, काय को चाहिए, ये मेरे साथ ज्यादा मत बोल, जितना पूछ रहा है उतना ही बोलो, मैं तो तेरा गाड़ी पलटी करता हूँ, ठीक है बोला। फिर वो मेरा वीडियो बनाया, वीडियो बना के फिर ठीक है। मनपसंद जिसके बारे में बताया गया था, उसके मालिक शकील खान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आपके गाड़ी को लेकर यानी कि आप जो कारोबार करते हैं उसको लेकर वीडियो वायरल हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, बोले तो हमको मेरे 30 बरस हो गया, अपने मराठी के घर में भाड़े से रहा अभी तक रहता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है इधर। अभी अभी एक दो चार दिन से ऐसे दो लोग आ रहे, वीडियो बना रहे, नाम पूछ रहे है, उतना ही बाकी का ऐसा कुछ नहीं है इधर। हमारे पास हिंदू भाई गांव के हमारे पास काम करते हैं, हम साथ में खाते साथ में रहते सोते सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कब से शुरू हो? 4-5 दिन हुआ है ऐसे आ रहा है, लोग नाम पूछ रहे हैं। आपने फरियाद दर्ज की? कुछ नहीं किया अभी, कोशिश है कि अभी पुलिस कुछ करे इनका, पुलिस करेगी मुझे ऐसा लगता है। शकील खान का कहना है कि पुलिस इस पर जल्द कार्रवाई करे, और इस तरह की हम रोजी रोटी के लिए दूर दराज से आकर यहाँ पर बसे हुए 30 साल से हैं, और इस तरह के जो हिरासा करने की वारदातें अभी हाल फिलहाल में हो रही है, तो उस पर कार्रवाई करे, इस तरह की बात। वो ठीक तरह वो तेरा वीडियो भी वायरल हुआ है, एक इंटरव्यू करेंगे तो उसमें क्लेरिफिकेशन दे। नहीं नहीं डिलीट करते वीडियो, गलती हुआ है।